मैम मैम वेरी गुड एंड आई होप यू पीपल आर ऑल्सो फॉलोइंग SOPs फॉर कोरोना वायरस. जी मैम एंड यू नो वॉट आपने वो गुड न्यूज सुनी है कि कोरोना वैक्सीनेशन आ गई है. यस मैम यस मैम यस मैम That's very good. Allah ka shukar hai. Alhamdulillah. And inshallah next week, next month, Pakistan bhi wo aa jayegi. And we will be corona free. Aur jitne bhi hamari life hai, wo normal ho jayegi. Inshallah. Because ye cheez ek aisi hai jisne har bande ko affect ki hai. So, ye zaruri nahi hai ki sirf corona hone se hi affect hua ho. Financial issues ho sakte hain. साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हुए हैं क्योंकि घर में रह 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 के एक डिप्रेस हो जाता है ना बंदा. हमें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है एनवायरनमेंट थोड़ा इंसान चेंज करे, कोई बाहर जाए, कोई चिल आउट करे, कोई खाना खाए बाहर जाके, या कोई सैर करे, या कोई चीज़ खरीद ले जाके बाहर. तो ये एक हेल्दी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें हमारे माइंड को फ्रेश कर देती हैं. लेकिन अगर कोरोना डेज हैं और अब कोरोना से एहतियात तो हर लिहाज मस्ट है, तो ये चीजें फिर सब रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ना. फिर घर में बैठ के क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता. कोई ना कोई एक्टिविटी तो होती है, घर में बैठ के भी एक्टिविटीज होती हैं. आप बुक रीड कर सकते हो, आप कुकिंग कर सकते हो, आप कोई क्रिएटिव और वर्क कर सकते हो, आप कुछ पेंटिंग कर सकते हो, वालेकुम अस्सलाम, स्केचिंग कर सकते हो, या फिर आप घर की सफाई कर सकते हो. ये भी बड़ा काम है और बड़ा जरूरी काम है. घर की सफाई में काम किसी को भी नहीं आ रही. लड़के भी घर में अपने अपनी अम्मी का हाथ बटा सकते हैं खाना बनाने में, घर के किसी भी और काम में तो हो सकता है. लेकिन उसके साथ साथ ये बाहर जाना लाइफ का पार्ट है, एक यूनिवर्सिटी आना, एक नॉर्मल रूटीन होना. इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हमारा ये वैक्सीनेशन आ जाएगी और सबको इंजेक्शन लगेंगे और ये कोरोना वायरस से हमारी जान छूट जाएगी जिसने पूरे साल से सबको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है. ओके आई होप कि सब बच्चे जो हैं वो आ चुके हैं. देयर आर 39 स्टूडेंट्स प्रेजेंट अप टिल नाउ. ओके सो यू पीपल हैव सेंट मी योर असाइनमेंट्स विद इन द ग्रुप एंड यू पीपल वर आल्सो आस्किंग मी अबाउट confusion you people were having, that was fine, and I hope you people have clearly understand all the six types which we have discussed previously. Is it so? Or if you are having any confusion, you have 1 or 2 minutes to ask me. Hurry up. If you have any confusion, you can ask me, then we will move forward, because there are many other things, many things which we have to do today in our class. Hanji Noman. मैम ये जो प्रिपेयर्ड और डेवलप्ड है ये फिजिकल वर्ब है या मेंटल वर्ब है? ओके टेल मी वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिपेयर्ड के ऊपर आते हैं. व्हाट डू यू थिंक, कैन यू प्रिपेयर समथिंग? नोमा यस मैम यस मैम व्हिच आर दोस थिंग्स दैट यू कैन प्रिपेयर? खाना हो गया, असाइनमेंट हो गई, कोई काम हो गया. ओके एंड ओके दीज आर द वर्क्स टू कुक अ फूड एंड टू क्रिएट टू मेक एन असाइनमेंट एंड टू प्रिपेयर योर क्लॉथ्स. ओके दीज आर सम थिंग्स दैट यू कैन प्रिपेयर. डू यू थिंक दैट दीज आर मेंटल एक्शंस और दीज आर फिजिकल एक्शंस? व्हाट डू यू थिंक? Physical. These are the physical action. And can you make any example in which prepare is used in the case of, in the sense of mental verb? Can no, you ma'am. Make any? Don't you think about it? Is it so? Think about it. Hurry up. Can you prepare anything which you can make in the case of mental verb? Noman? I prepared idea.
यू प्रिपेयर्ड एन आइडिया? आइडिया का प्रिपेयर किया जाता है बच्चे, आइडिया तो मेक किया जाता है ना। हाँ जी बच्चे, मैम कोई जहन में नहीं आ रही, मेंटल मेंटल में इसकी प्रिपेयर्ड का कोई सेंटेंस। माइंड में नहीं आ रहा ना। जी मैम, ये फिजिकल वर्ब होगा। ये तो फिर फिजिकल वर्ब हुआ ना। अगर हम देखें आइडिया की बात करें, टू मेक एन आइडिया, वो तो आइडिया तो हम मेक करते हैं, प्रिपेयर तो नहीं करते हैं। एंड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, अब वो जो हम प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम्स की, वो भी तो फिजिकल एक्शन ही होता है। आप प्रिपेयर करते हो ना, आप अपनी बुक्स ओपन करते हो, एक एक्शन होता है। आप चीजों को याद करते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, यू रीड समथिंग, देन यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स ना। सो दिस वन इज ऑल्सो इन द सेंस ऑफ फिजिकल। एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना भी तो फिजिकल एक्शन में आता है ना। जी मैम, ठीक है, सो प्रिपेयर इज अ फिजिकल एक्शन। ठीक है, ओके मैम। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डिवेलप। ओके, मेक एनी एग्जाम्पल ऑफ द डिवेलप वर्ब। रोमान? हाँ जी रोमान, पाकिस्तान पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री। इज पाकिस्तान अ इज अ डेवलपिंग कंट्री। एग्जैक्टली, पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री। ओके, सो दिस वन डेवलपिंग, व्हाट डू यू थिंक, दिस वन इज फिजिकल और मेंटल? मैं हाँ जी रोमान, फिजिकल इट्स फिजिकल, इट्स फिजिकल, बिकॉज पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री। दिस डेवलपमेंट इज नॉट इन द माइंड ऑफ एनी पर्सन, बट दिस डेवलपमेंट इज हैविंग, इज विजिबल टू एवरीबडी, दिस डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट, ओके, बट इफ आई से दैट टू डेवलप एन आइडिया, डिवेलप एन आइडिया, हरी अप, दिस डिवेलप इज वॉट? दिस डिवेलप इज वॉट बच्चे? मेंटल अब देखो, आपने एक डिवेलप, यस, बट दिस डिवेलप, अब यहाँ पे आपके पास दो, आपके पास एक सिंगल वर्ड है डिवेलप, लेकिन आपने इसको दो डिफरेंट सेंस में यूज किया है, टू डिवेलप एन आइडिया एंड पाकिस्तान इज अ डिवेलपिंग कंट्री। अब ये सेंटेंस की सेंस के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे, कि वेदर दिस डिवेलप इज अ फिजिकल एक्शन और वेदर दिस डिवेलप इज अ मेंटल एक्शन। सो इट्स अप टू दैट कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस दैट यू विल डिवेलप एन आइडिया दैट दिस वन इज अ मेंटल वर्ब और दिस वन इज अ फिजिकल वर्ब। बच्चे, लैंग्वेज, इन एनी लैंग्वेज इज नॉट फिक्स, लैंग्वेज इज नॉट अ फिक्स थिंग, बिकॉज देयर आर वन, एक वर्ड होता है और उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, मल्टीपल सेंस में होते हैं। ठीक है, तो डिवेलप, थिंक अबाउट लॉजिकली, थिंक लॉजिकली अबाउट द थिंग्स दैट वेदर दिस वर्ड इज कैन बी अ फिजिकल, वेदर दिस वर्ड कैन बी अ मेंटल। अब जैसे हमने प्रिपेयर को देखा, तो प्रिपेयर जो है कोई ऐसी सेंस नहीं बनती कि हम उसको मेंटल में लेकर जाएं। टू प्रिपेयर समथिंग, तो वो हमारी फिजिकल एक्शन में ही आ रहा होता है। ठीक है, इफ यू कैन मेक एनी एग्जाम्पल ऑफ प्रिपेयर देन ओके टेल मी। So previously we discussed about six types of verbs that which were physical, mental, transitive, intransitive, linking, as well as helping verb. And you know what? We discussed these verbs in contrast with each other. Like physical was in a contrast with mental, transitive in contrast with intransitive, as well as linking or the state of being verb was in contra is in contrast with helping or an auxiliary verb. Okay, so these were the types, these were the different types, but they are in contrast. Now today we are going to discuss some of the more types of some of the more types of verbs which are not in contrast
but they are somehow similar to the previous verbs or the kinds of verbs which we have discussed. ठीक है, so yeah, these are the types, and the previously those six types were also the kinds of the verbs. The but today we are going to discuss the verbs in the sense of similarity, because as I told you while discussing about the nouns, that noun jo hai, a single word can be a concrete noun, and that concrete noun can be a common noun or can be a proper noun. एक जो नाउन है वो सिर्फ एक फिक्स नहीं है किसी एक टाइप के लिए, उसके डिफरेंट वो डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर फॉल कर सकता है. इज इट सो? यस मैम. ठीक है, सो इन द सेम वे, इन द सेम वे अ सिंगल वर्ब कैन प्ले अ डिफरेंट फंक्शन विद इन द सेंटेंस. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली दे टेल अस अबाउट द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड इन द सेंटेंस ना. Parts of speech ka yahi function hota na, that they tell us the function of that particular verb or particular word, not verb. Theek hai? So next type which we are going to discuss today is an auxiliary verb. Yes, we have discussed about the helping verb, which is also known as auxiliary verb, but auxiliary verb itself has its own significance in this, in the case of verbs. Now, what was the helping verb? Let me find my own target. Saba Parveen. Yes, ma'am. Beta, what is a helping verb? What is a helping verb? No, when helping verb, main verb bhi saath hota hai. When the question is in English, the answer should be in English. No, when helping verb, two verbs are, when one is main verb and another one tells the tense of the sentence. And with that particular verb, the helping verb is helping basically the main verb. ठीक है, सो इन विद इन द हेल्पिंग वर्ब विच इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब, इन द हेल्पिंग वर्ब वी हैव अ मेन वर्ब, वी हैव अ मेन एक्शन, ही इज टीचिंग. ठीक है, एंड इज बेसिकली इज अ हेल्पिंग वर्ब विच इज हेल्पिंग द मेन वर्ब, एंड वाइल हेल्पिंग द मेन वर्ब दिस वन इज ऑल्सो टेलिंग अस द टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ठीक है, तो वो जो एक स्टेटमेंट है उसको हेल्प आउट कर रहा होता है जो आपका जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. ठीक है, सो हेल्पिंग वर्ब इज नॉन एज ऑक्सिलरी वर्ब. इन द सेम वे ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो नॉन एज हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, बट नाउ थिंक अबाउट सम ऑफ द पॉइंट्स दैट वी नीड टू नो विद इन एन ऑक्सिलरी वर्ब. Helping verb, keep within your mind that helping verb basically help that main verb in the statement. In the auxiliary verb is also used with the main verb. And what is the basic role of this auxiliary verb is that auxiliary verb shows you the tense. Auxiliary verb or the helping verb shows you the tense of that particular statement, and this one basically aap ye keh sakte hain, this one tells you about the context. What is the context? What is context, bache? Do you know about it? Anybody? Ma'am, tense state. आप ये कह सकते हैं कि जो कंटेक्स्ट होता है ये बैकग्राउंड बताता है, और बैकग्राउंड मीन्स टू से बैकग्राउंड के अंदर टाइमिंग भी आ जाती है. ठीक है, तो बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब टेल्स यू अबाउट द टाइम. फॉर एग्जांपल ओके, ही इज टीचिंग. नाउ देयर इज दिस टीचिंग, इज दिस शोइंग व्हाट? प्रेजेंट टाइम. इज शोइंग द प्रेजेंट टाइम. ही वाज टीचिंग. इज शोइंग द this one. Okay, past, continue. Past. And will shows the future. These are the in the simple
ठीक है, तो कीप विद इन योर माइंड दैट ऑक्सिलरी वर्ब टेल्स यू अबाउट द टेंस और द टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन. एंड बट इफ आई से दैट आई वुड गो टू मरी नेक्स्ट मंथ, व्हाट इज एन ऑक्सिलरी वर्ब हियर? Would Yes, would. I would go would. To Murray would. next month. हाँ जी, हो गया would. I would go to Murray next month, which is a main verb here. Go. So in this statement, we have a main verb go, as well as we have also an auxiliary verb, and this auxiliary verb is also helping the main verb here. So this one is also a helping verb. So auxiliary verb have the similarity with the helping verb. So what do you think? Would is showing which tense? Future में आप will be use करते हैं, exactly. Future में आप will be use करते हैं, and you also use would. And there is a difference between would and will. Will तब आप use करते हैं जब आप confirm होते हैं. I will go to Murray next month when you are sure, when you are clear in your idea that it's a clarity, it's a surety, it's a confirmation that you will go. But when I say I would go to Murray next month, it means that वुड आपकी किस सेंस को शो करता है? वुड शो करता है कि आप श्योर नहीं है, ठीक है, कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, वेदर और नॉट की कंडीशन है, ठीक है, वेदर यू विल गो, यू वुड गो और नॉट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस मैम. एंड यू नो व्हाट, आफ्टर दीस पार्ट्स ऑफ स्पीच वी विल डिस्कस अबाउट द क्लॉजेस, phrases, sentences, sentence structure, ठीक है? After discussing all these parts of speech, we will move towards our sentence structure in order to make correct sentence structure, ठीक है? अपने sentence structure के ऊपर work करेंगे हम लोग, and then we will start our tenses, okay? Because tenses shows you the time, and you have to make the clear cut statement. And while making that clear cut statement, you should know about the parts of speech, and you should know about the particular structure of the sentence, as well as you should know, and then we will discuss about the tenses, okay? Then we will move step by step from simple to complex forms. So what this, if I say you should be prepared tomorrow, you should be prepared tomorrow, which हाँ जी बच्चे, should is auxiliary verb, prepared is actual verb. auxiliary verb है, and should किस time को refer कर रहा है? future because here future. I have you here I have you tomorrow. You should be prepared tomorrow. So this tomorrow is also referring towards the future sense. Okay. If I say, may I come in? May I come in? May is an auxiliary verb. And this may is showing which tense? Present tense. Okay. If I say that she may be teaching. She may be teaching. तो ये मे जो है ये ऑक्सिलरी भी है, और ये किस टेंस को रेफर कर रहा है? फ्यूचर ही मे बी टीचिंग मैम. प्रेजेंट प्रेजेंट अब कॉन्टेक्स्ट को देखो. एक मिनट, अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? मैं इधर बैठ के आपको क्लास पढ़ा रही हूँ ना,
ठीक है, और दो फॉर एग्जाम्पल कोई दूर के इलाके में बैठ के कोई कह रहा है कि मरियम इस वक्त क्या कर रही होगी, और वो कोई और वो कहे शी मे बी टीचिंग, और मे जो है वो रेफर कर रहे कि वो श्योर नहीं है वेदर वो शी मे बी टीचिंग परहैप्स की सेंस में ले रहे ना, शायद शी मे बी टीचिंग, सो दिस वन इज शोइंग द विच टेंस. Present present. 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 Because here I am teaching and someone sitting a few miles away, that person would be saying that she may be teaching. He is speaking at that at the same moment. She may be teaching. But for example, अब ये एक statement हो गई. अब इसी स्टेटमेंट को लेते हैं, शी मे बी टीचिंग, इसके एक और कॉन्टेक्स्ट भी निकलता है, वो क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर कोई नहीं बच्चे, फॉर एग्जांपल अगर आप अब जैसे मैंने इसके एक बताया कि मैं इस वक्त पढ़ा रही हूँ आपको, और कोई और मेरे बारे में बात कर रहा हो उसी मोमेंट पे बैठ के, उसी टाइम पे बैठ के मेरे बारे में बात हो रही, तो वो कहे शी मे बी टीचिंग, और अगर एक स्टेटमेंट हो कि वो आजकल क्या कर रही है, व्हाट शी इज डूइंग दीस डेज, शी मे बी टीचिंग, ठीक है, शायद वो पढ़ा रही हो आजकल, ठीक है. अब आपने ये स्टेटमेंट देखी, अब ये एक स्टेटमेंट है और इसके दो डिफरेंट कंटेक्स्ट हैं, इसके दो डिफरेंट मीनिंग्स बने हैं, ठीक है. सो इन द सेम वे इसी सेंस में कहती हूँ कि जो लैंग्वेज है दैट इज नॉट फिक्स, लैंग्वेज इज नॉट स्टेबल, लैंग्वेज इज नॉट कंसिस्टेंट, इट मूव्स फ्रॉम वन मीनिंग टू अनदर मीनिंग, वन मीनिंग टू अनदर मीनिंग. अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ. मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तो हमारी उर्दू की बुक थी, उसके अंदर एक चैप्टर था मिर्जा गालिब थे परहैप्स वो, तो हालांकि मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं पसंद थी, ना मुझे मज़ा आता था पढ़ने में. अच्छा हमारी जो टीचर थी ना वो बड़ा हमें ये जो शायर, वो भी बूढ़ी सी एजेड सी थी, और हमें मीर तकी मीर, मीर दर्द और पता नहीं कौन कौन से दर्द हमें पढ़ाती थी, और बड़ी मुस्कुरा मुस्कुरा कर पढ़ाती थी, हमें मीर तकी मीर तो बहुत ही पसंद था. तो हमें एक दफ़ा मिर्ज़ा गालिब वो पढ़ा रही, तो उसके अंदर स्टेटमेंट थी, मिर्ज़ा गालिब ने से किसी ने पूछा कि कितने आम खाए हैं, एंड यू नो व्हाट मिर्ज़ा गालिब सेड, एक आम नहीं खाया. What do you think? इसका क्या मीनिंग हो सकता है? एक होता है ना हम मतलब निकालते हैं लोगों की बातों के, हमें बड़ी आदत होती है हर किसी की बात का मतलब निकालने की, तो इसी तरह मतलब yes. निकालो. एक अभी बचिया गई से काम लिया है, बाकी सारे खा लिए, अब इसके दो मतलब निकल, एक भी नहीं खाया या फिर के एक भी नहीं छोड़ा सब खा गए, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो सारे खा लिए एक छोड़ दिए, बस एक आम नहीं खाया बाकी सारे खा लिए. एक रोजा नहीं रखा, एक इसका ये भी हो सकता है कि एक, वेरी गुड, एक रोजा नहीं रखा बाकी सारे रखे हैं, या एक भी नहीं रखा, एक रोजा नहीं रखा, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड. तो ये देखो अब एक स्टेटमेंट होती है, अब मैं ये नहीं कहती कि पर्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट कंसिस्टेंट, एवरी लैंग्वेज इज नॉट कंसिस्टेंट, यू हर कोई अब किसी भी बात का कहते हैं ना उसने मेरी बात का गलत मतलब लिया है, कहा कुछ है मतलब कुछ लिया है. इन द सेम वे देर आर मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ वन स्टेटमेंट, देर आर मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ वन सिंगल वर्ड, ठीक है. सो अब एक सेंटेंस, एक वर्ड है वो डिफरेंट सेंसेस में यूज हो सकता है, जैसे हमने डेवलप को देखा, ठीक है. सो आई होप यू पीपल हैव क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स. यस मैम. जी मैम. एवरीबॉडी मैम. एवरीबॉडी. यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. और किसी दिन मैंने ले लिया ना तुम लोगों का सरप्राइज टेस्ट, और उस दिन ये यस मैम ना निकली किसी की, तो फिर मैं बताऊंगी, ठीक है. हो सकता है मैं किसी दिन सरप्राइज टेस्ट भी, प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि बच्चे ये बात ही होती है, अगर आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर रखो ना, सेमेस्टर सिस्टम की बात ये होती है कि आप लोग को डेली का डेली पढ़ना चाहिए, क्योंकि एट द एंड जब सेमेस्टर एंड होता है या मिड्स आते हैं,
तो तब तैयारी एक दिन में तैयारी नहीं होती। इससे पहले आप लोग एनुअली एनुअल सिस्टम के थ्रू पेपर्स देते रहे हो, एनुअल सिस्टम में ये खुद करते हैं बच्चे पूरा साल ऐश मारी आखिरी के 2-3 महीने पढ़ लिए टिका के, या तो कुछ ऐसी हस्तियां भी होती हैं जो सिर्फ पेपर वाले दिन पढ़ती हैं, और कुछ ऐसी भी हस्तियां होती हैं जो पूरा पूरा साल पढ़ती हैं, पूरा पूरा साल बोलती हैं कि हम तो कुछ भी नहीं पढ़ते, हमें कुछ नहीं आता, पेपर वाले दिन भी बोल रहे होते हैं हमें कुछ नहीं आता, लेकिन जब पेपर के रिजल्ट आता तो फिर टॉप किया हुआ होता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, तो इसीलिए कह रही हूँ कि सेमेस्टर सिस्टम जो होता है उसमें साथ साथ पढ़ना होता है, डेली का डेली पढ़ना होता है, अदरवाइज मुश्किल हो जाती है जब आप लोग फाइनल जब आप या मिड्स अपने देते हो या फाइनल एग्जाम्स देते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। नुमान डू यू वांट टू से समथिंग? मैम मैम जो मिड के पेपर्स होंगे हमारे इंग्लिश के, फिर पार्ट ऑफ स्पीच में से एमसीक्यूज आप बना के देंगी। बेटा जी आप लोगों के जो मिड्स के पेपर है ना उसकी डेट आगे चली गई है, मेरे ख्याल में 11 जनवरी हो गई है, ठीक है? यस मैम। आप लोगों के जो विंटर ब्रेक है वो शायद 10 जनवरी तक है। जी मैम ठीक है, यस मैम। 25 से 10 जनवरी तक, तो 25 से पहले पहले जितनी हमारी क्लासेस आएंगी तब तक हमें कवर करना है, और आई थिंक पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे इंशाल्लाह हो जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा हमने फ्रेजेस पढ़ने हैं, क्लॉजेस पढ़नी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, ठीक है, वो भी इंक्लूड होंगे। एंड मेरा दिल है कि मैं आप लोगों को पंक्चुएशन भी कराऊँ, ठीक है, तो पंक्चुएशन भी करेंगे। दिस विल बी द These all the topics will be the part of your mids exams. और बाकी जो आप लोगों के tenses सारे हमने करने हैं, और जो उसके अलावा हमने narrations पढ़नी है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, those things we will discuss after mids. और एक ठीक हो गया, mids से पहले पहले हमने parts of speech करने हैं, phrases, clauses, sentence structure, sentence types as well as punctuation. These will be the part of your syllabus for the mids. And you know what, एक और बात जेन में रखो कि जो आप लोगों का फाइनल एग्जाम्स होते हैं ना उसमें 70% आपका सिलेबस आता है जो आपने फाइनल के लिए पढ़ा होता है, और 30% आपका मिड्स में से भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि मिड्स का पेपर दे दिया और चीज़ें भुला दी, ठीक है, नोट्स पकड़ के फेंक दिए, जान छूट गई, ऐसा नहीं होगा। बट यू शुड बी प्रिपेयर योर सेल्फ इन द फाइनल एग्जाम्स फॉर द मिड्स, बिकॉज मिड्स में से में भी मैं कुछ ना कुछ 30% जो है वो मैंने ऐड करना है, दिस इज अ रूल एंड आई हैव टू फॉलो इट। ओके मूविंग फॉरवर्ड, आई विल सेंड यू एन एक्सरसाइज फॉर द ऑक्सिलरी वर्ब्स, एंड आई होप यू पीपल हैव क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट दीज वर्ब्स। मूविंग फॉरवर्ड देन वी हैव स्टेटिव वर्ब्स, हैव यू हर्ड दिस वर्ड बिफोर स्टेटिव वर्ब्स? Is it, can you hear me? I'm asking the question. Have you heard about this? Have you read about stative verbs before? No, ma'am. Okay, what do you get the idea from this word, stative verbs? Do you get any idea, any tukka? Statement. Yes. Okay. Ma'am, describe state of being. Yes. Ma'am, describe state of being. Okay. Now, as I have told you that today we are discussing about the similarities, these stative verbs also have similarity with the mental verbs, as well as you can also say that these stative verbs have the similarity with state of being verbs, but there is slight difference between state of being verbs and the stative verbs. It depends upon that particular statement whether this verb is playing the role of stative as well as state of being or not. First consider this. Okay, but this stative verbs have clear cut similarity, you can say, with the mental verbs. Zoshia Ijaz? Yes, ma'am.
What are the mental verbs? These verbs are totally different from physical verb. Mm-hmm. Things within our mind. Things which are happening in your mind. These are yes, the mental verbs, which don't have some physical action or physical movement. So these words are the mental verbs. Now consider these stative verbs. As stative verbs also express, or you can say stative verbs also demonstrate certain states, certain conditions, rather than any action. When I talk about certain states, certain conditions, I mean to say that if they express certain emotions, certain relationships, certain thoughts, certain senses. She is feeling sad today. No, I cannot say she is sad today. Feeling sad to ho gaya na, feeling hi hai na sadness bhi. She is sad today. Now the sad is sad is state of sad. Sad. She is sad today. This statement is also describing describing a state, describing a condition of that girl, and this one is also a linking. But she is sad today. Here in this statement we don't have any main verb, but is playing the role of a linking verb as well as the state of being. State of being जो है वो किसी condition, state of being हम इसलिए कह देते हैं किस linking verb को, क्योंकि वो statement को describe कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई हमारा particular main action नहीं होता है, ठीक है. Linking इसलिए हम कहते हैं क्योंकि वो जो particular verb होता है वो link कर रहा होता है, is, am, are, वो describe कर रहा होता है, is, am, are. Okay, so these are describing about the so these are playing the role of these are also linking. Haan ji Shazmina ma'am, stative verb ko repeat kar de, mera disconnect ho gayi thi meeting. Main stative verbs ko hi abhi discuss kar rahi hu, abhi main usko helping linking verb ke upar hu, theek hai, kyunki uske sath link kar rahi hu, theek hai. If the statement is I believe you, believe is a stative verb. State in किसी state believe जो है वो किसी statement को भी describe कर रहा है ना. Now believe, do you think that believe is a mental verb or not? Mental verb. And this one is also a stative because it is expressing a statement. It is expressing a certain sense, is a certain thoughts, certain statement. ठीक है, I believe you, but do you think that this I believe you is a linking verb? Yes, ma'am. This one is linking. Yes, ma'am. This one is also playing the role of state of being. But if the statement is he is a teacher, do you think that this one? Is do you have any mental verb here? No, ma'am. You don't have any mental verb here. Mental verb and state of being, yeah, linking verb, these both are different from each other, but this stative verb have similarity with the state of being verb, linking verb, or and those mental verbs. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Repeat कर देती हूँ. आप mental verbs and the state of being verbs are different from each other. But the stative verbs are similar with state of being verbs as well as the mental verbs. ठीक है? Ma'am. जी जी. In the sentence he is a teacher, which is state of verb. He is a teacher. Do you think that this one is expressing something? No, ma'am. This is not expressing something, Kiran. It is giving information that he is a teacher. This one is not a state. Yes, it is. It is a state, na? I am giving you information, na? He is a teacher. Yes, ma'am.
It's a state na, rather than an action. Okay ma'am. ठीक है, तो स्टेटिव वर्ब्स आपको एक्सप्रेस करते हैं स्टेट को, किसी कंडीशन को, किसी थॉट्स को, इमोशंस को, रिलेशनशिप्स को, सेंसेस को, एज दे एक्सप्रेस द स्टेट. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दीज हैव सिमिलैरिटी विद द स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स, एंड एज दे ऑल्सो एक्सप्रेस द थॉट्स, इमोशंस, रिलेशनशिप, सेंसेस, सो दैट्स व्हाई दीज हैव सिमिलैरिटी विद द मेंटल वर्ब्स. But mental and state of being verbs are different from each other, totally different from each other. But stative verbs have similarity with these, both these types of verbs. Is it clear to everybody? Yes, ma'am. Understand? Yes, ma'am. Mental verb hoga ya stative verb hoga? Again, bache, aapki samajh nahi aayi mujhe. Understand? Understand is a mental verb or a stative verb? What do you think? Make any statement regarding this. Understand? I understood your point. I understand your point. Okay, so what yes. do you think this understand is what? And it also this one is expressing a statement. Yes ma'am, understand ek statement hi hai. Ab mujhe information provide kar rahe ho na. I understand your statement. I understand your point. Yes ma'am, you are giving me information. Yes ma'am. So this one is a state, na? Yes, sir. This one is a stative verb. Yes, ma'am. And understand is what? Understand is a linking verb here or that mental verb? Mental verb, ma'am. Mental verb, na? So that's why I have said that stative verbs and mental verbs have the similarity with each other. Okay, ma'am. ठीक है, स्टेटिव वर्ब्स जो हैं उनके अंदर स्टेट्स को भी डिस्क्राइब किया जाता है एज स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स के अंदर होता है, एंड उसके अंदर थॉट्स और इमोशंस और फीलिंग्स को भी डिस्कस किया जाता है जो कि मेंटल वर्ब्स में होती हैं. ओके हरी, अब मेक एन एग्जांपल ऑफ द स्टेटिव वर्ब्स. मरवा, आई एक्सप्लेन यू. फर्स्ट ऑफ ऑल रेज योर हैंड्स एंड देन स्पीक. She did not recognize me. Now, which one is the main verb here? Me. But okay, she does not recognized me. Main verb. I'm recognized. Recognized hua na? So recognized. Which one? Do you think that recognize is a mental verb? Yes, ma'am. Yes. Is it a stative verb? Yes, ma'am. That's why I'm saying that. You are right. Okay. Ariba Akhtar? Ma'am, I agree with her. I agree with her. Now, what is this? Agree. Agree, ma'am, is a stative verb. Yes. Or main verb, agree. Exactly. Jameela Zafar? Ma'am, we believe in one Allah. We believe in one Allah. Yes, very good. Believe. Now, believe is what? Believe is a mental verb as well as the stative verb. It's a fact. It's a reality. Mohammed Shuaib? She likes old movies. Likes is a static he verb. He likes old movies. Yes. Hafiz Muzammil?
हाँ जी, सो आई वाज ऑन द पॉइंट ऑफ दीज स्टेटिव वर्ब्स एंड यू पीपल वर मेकिंग एग्जांपल्स और जो है ब्लॉक हो गया था. हाँ जी हरी, अपन मेक एन एग्जांपल. जवेरिया या मीन? आई नीड योर हेल्प. आई नीड योर हेल्प, यस, वेरी गुड. इकरा रमजान. Again? He edits the picture. He edits the picture. Now, what do you think? This editing is what? Main verb. Edit is what? Edit is a mental verb or edit is a physical verb? Yes, it's a bond to new car. Again? I want a new car. I want a new car. Now this one is the mental verb, but I am editing pictures. Editing jo hai, that you editing is something that you do physically, not mentally. Yes, ma'am. Theek hai? Shane Mohammed. Shane Mohammed. He feels exhausted. He feels exhausted. ना आप ये, बल्कि आप ये जो फीलिंग्स होती है ना, इसको आप सिंपली आप स्टेट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड इज ऑल्सो गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज फीलिंग्स दैट ही इज एग्जॉस्टेड. और ही इज सैड, ही इज हैप्पी, ही इज इन अ जॉली मूड. सो दीज ऑल आर द फीलिंग्स. सो इसके साथ फीलिंग वर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती. ही इज एग्जॉस्टेड इटसेल्फ इज कन्वेइंग द मीनिंग ऑफ फीलिंग्स. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Moving forward. Then we have to, the next kind of verb, which are the modal verbs. Have you heard about these modal verbs before? Yes, ma'am. What are the modal verbs? Will, shall, can. That modify the action. Would, could, should. These are the models. Why can, is would, model? Can, would, be, might. Yes, can, would, should, would. These are the auxiliary as well. But why these are called the models also? Model verbs. Hurry up. Why these are called the model verbs? Because they show a possibility. Okay. So modal verbs are also called auxiliary verbs. Modal verbs are also called auxiliary verbs, and auxiliary verbs are also called helping verbs. As I gave you, just like auxiliary verbs are called similar with helping verb. And auxiliary verbs are also called modal. Ma'am, your voice is not clear. एक मिनट वही करना लगी हूँ. एक मिनट को. Now it's clear. Yes, ma'am. जी मैम. टू एवरीवन. यस मैम. यस मैम. ओके. मैम, आर यू स्पीकिंग? Is my voice clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is my voice clear? Clear hai? Bilkul clear aa rahi hai. Yes, ma'am. Yes. Okay.
Now modal verbs are also called auxiliary verbs, and these are also the helping verbs like can, must, may, should, would. But why these are also called modals? Because they express something. Now the point arises, what they express? They express about certain conditions. With the certain conditions, I mean to say they express abilities, they express something, some sort of permission, they express some sort of obligations, jaise bachche ne bola, about the possibilities. Theek hai? So modal verbs, which are also called auxiliary verbs, these are called modals because they express about abilities, they express about possibilities, and for the sake of permission and obligation. May I come in? Now this may is showing what? Possibility, modality. Permission. Permission, ma'am. Permission. Huh? Permission. May I come in? बचपन से आप लोग जब स्कूल में जाते हो तो क्लास के अंदर एंटर होने से पहले पूछते नहीं हो मैं कम इन मैम तो नाउ दिस मे इज वर्ड परमिशन मे इज द सेंस ऑफ परमिशन बट इफ आई से शी मे बी टीचिंग नाउ दिस मे इज वर्ड पॉसिबिलिटी या आप ये कह सकते हो कि नाउ दिस मे इज हियर यूज्ड फॉर इन द सेक ऑफ फॉर द इन द सेक इन द सेंस ऑफ यू आर कंफर्म और नॉट पॉसिबिलिटी की परहैप्स पॉसिबिलिटी के सेंस में यूज हुआ ना शी मे बी टीचिंग पॉसिबिलिटी है मे यहां पे रेफर कर रहा है क्या पता वो पढ़ा रही हो या ना पढ़ा रही हो शी मे बी टीचिंग कंफर्मेशन नहीं है ये जो मे है ठीक है नाउ दिस मे इज शोइंग अस यू गिविंग यू सम सेंस ना यू शुड बी प्रिपेयर टुमारो नाउ दिस शुड इज व्हाट कंफर्मेशन सेंटेंस की सेंस को समझो यू शुड बी प्रिपेयर टुमारो ऑब्लिगेशन काम होता है कि वो किस उस वर्ड की उस वर्ब की सेंस को कन्वे करे नाउ द शुड इज वर्ड शुड इज यूज्ड हियर इन दिस व्हिच इज वेरी वेरी नेसेसरी व्हिच इज ऑब्लिगेटेड व्हिच इज मस्ट व्हिच इज यू शुड बी प्रिपेयर्ड टुमारो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड टुमारो हियर यू हैव स्ट्रेस ऑन दिस वर्ब जब फर्ज हो जाती है किसी चीज के ऊपर यू शुड ऑफर यू मस्ट ऑफर 5 टाइम प्रेयर्स अ डे अब ये मस्ट हो गया ऑब्लिगेशन हो गई है यू कैन डू इट नाउ दिस कैन इज व्हाट देन स्ट्रांग बिलीफ एबिलिटी यू कैन डू इट एग्जैक्टली एबिलिटी को शो कर रहा है स्ट्रांग बिलीफ को शो कर रहा है एबिलिटी वेरी गुड नाउ द सेंटेंस एज आई गेव यू एग्जांपल बिफोर वुड आई वुड गो टू मरी नेक्स्ट मंथ नाउ दिस वर्ड इज व्हाट पॉसिबिलिटी helping verb now this would is showing which tense auxiliary verb ka jo function auxiliary verb ka function hai ki tense ko show karna na future yes ma'am auxiliary verb ka kaam tense ko show so that's why this would is give is showing you the tense or giving you telling you the tense of future I would go to Mary I will jo I would jo hai वुड में कंफर्मेशन नहीं है पॉसिबल और नॉट श्योरिटी और नॉट ठीक है सो दैट्स व्हाई दीज मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग टू एक्सप्रेस यू कैन से टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ द सेंटेंस आप उसको ये कह सकते हो कि जो सेंटेंस है उसकी ये एक्सप्रेस करता है कितना उसका स्ट्रेस है कितना एम्फेसिस है ठीक है मैम प्लीज डिवाइड कर दें
मैं रिवाइज कर देती हूँ. मॉडल वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स. ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स. नाउ व्हाट आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स? ऑक्सिलरी वर्ब्स शोज यू द टेंस ऑफ द सेंटेंस. यू विल गो, you will go to. Now this you will go to is in a plain sense. ठीक है, for example if a person knows some about any person that he that person is going somewhere, you will go. ठीक है, but you should go. Now here should is giving you some sense that that person is making it necessary for another person that you should go, you must go. ठीक है, now you should and must is giving you the some sense of obligation. You can go is giving you the permission. You can go. If a student asks, may go to drink water? Now this may is what? May is giving you the sense of permission. May I come in? Ma'am? Ji ji. May you live long? Isme may kya show karna? Now this may you live long. What do you think? May you live long is showing you what? May. This whole sentence statement is what? May you live long. Possibility? Possibility? No. Hope and I go. May you live long. Hope. Exactly. Very good. Now this may is also may jo hai wo dua hai na? May you live long. Aap dua karte ho kisi ke liye. Hope hai usme. Dua ka naam hi dusra naam umeed hai. आप तभी दुआ करते हो जब आपको अल्लाह से उम्मीद होती है किसी चीज की. ठीक है, सो दुआ का दूसरा नाम ही उम्मीद है और यकीन है, सबसे ज्यादा यकीन है. ठीक है, तो दिस आई मे यू लिव लॉन्ग इज इन अ सेंस ऑफ प्रेयर. ठीक है, सो दिस वन इज ऑल्सो अ मॉडल वर्ब. जैसे कि जो मे है, मे आई कम इन इज इन द सेंस ऑफ परमिशन. मे यू लिव लॉन्ग इज इन द सेंस ऑफ प्रेयर. एंड शी मे बी टीचिंग इज इन द सेंस ऑफ वेदर यू आर कंफर्म और नॉट. ठीक है, तो ये जो अब एक वर्ड है मे, इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं. ठीक है, मे जो है वो डिफरेंट सेंस में यूज हो रहा है. That's why मैं कहती हूँ कि लैंग्वेज कंसिस्टेंट नहीं है, लैंग्वेज स्टेबल नहीं होती. वन वर्ड कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स इन डिफरेंट सेंसेस. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम यस मैम. क्लियर इज दिस सेंटेंस इज मॉडल वर्ब. आई होप यू कैन डू इट. आई होप यू कैन डू इट. डू यू थिंक दैट यू हैव हियर अ मॉडल वर्ब हियर? Yes, ma'am, because it is expressing hope. Hope is what? Expectation. Problem आ रही है बच्चे. अब ये जो statement है, I hope. अब hope जो है, this one is a mental verb ना? Model yes, verb. Model verbs yes, are also. ये hope जो है, ये auxiliary verb तो नहीं है ना? Hope itself is a main verb. Is a main action. Hope जो है itself एक main action है. Hope कोई help out तो नहीं कर रहा ना इस statement में किसी को. किरण? जी मैम. किरण, can you say that this hope is helping here in this statement? No, ma'am. It's linking verb. I think. Can you say that this hope is telling you the tense? No, ma'am. No. And can you say that as I told you that modal verbs are also called auxiliary verb? So do you think that hope is an auxiliary verb? No, ma'am. दरवाजा बंद करते हैं. नहीं है ना? Yes, ma'am. ठीक है, so, तो ये क्या हुआ? Hope क्या हुआ? Which verb? Thinking verb. It's a mental verb. Ma'am, it's also linking verb. How it's linking? Because it's link I and you. I is subject and you is noun and adjective.
ओके अगेन स्टेटमेंट बोलो अपनी आई होप यू कैन डू इट आई होप यू कैन डू इट यू हैव मेन वर्ब हियर डू यू हैव मेन वर्ब यू डोंट हैव मेन वर्ब होप तो हो गया इज देयर एनी वर्ब एनी वर्ब And do is physical verb. Do, ma'am. Oh, do is a physical verb here, na? Yes, ma'am. तो आपका एक बच्चे बात ध्यान में रखो कंफ्यूज ना हो आपके जो मॉडल वर्ब्स हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं मॉडल वर्ब्स का रोल ये होता है कि वो एक्सप्रेस करते हैं सर्टेन कंडीशन को ठीक है मे यू लिव लॉन्ग अब ये जो मे है ये होप की सेंस में यूज हो रहा है बट हियर यू डोंट हैव यूज्ड होप पर्टिकुलरली हियर मे यू लिव लॉन्ग मे यू लिव लॉन्ग मे जो है वो इधर एक प्रेयर की सेंस में यूज हो रहा है but you don't have used here that particular verb words okay. vary from each other words vary from each other ek word aapne jo use kiya aap usi ko dekhoge may you live long I hope you live long now in this statement I hope you will live long hope yahan pe main verb ka role play kar raha you have used the main verb aapne ek particular word use kiya but modal verb gives you the expression एक हिडन आपको उसके अंदर एक मीनिंग होता है आपके जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उसके अंदर हिडन एक मीनिंग होता है जो कि एक्सप्रेस हो रहा होता है वेदर इट्स पॉसिबिलिटी वेदर इट्स एबिलिटी परमिशन है या ऑब्लिगेशन है इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी यस मैम यस मैम यस मैम ठीक हो गया moving forward okay hurry up and make an example make us different examples of modal verbs hurry up Shazmina we should respect our parents very good we should respect our parents now this should is giving you certain advice theek hai you should aapko advice ki sense mein aapne use kiya And this one is also auxiliary. We should respect. Respect itself is a main verb here. Ikra Ramzan. Accident can happen at any time. Ji. Accident can happen at any time. Accidents happen at any time. Accident can happen at any time. Okay. Okay. So these are the modal verbs. Now I have to go somewhere. I have to complete this thing. Now next verb we have are the phrasal verbs. The next type of verbs we have are the phrasal verbs. And phrasal verb. What do you think about this word? Phrasal verb. हाँ जी रजिया ओके फ्रेजल वर्ब्स इट्स वेरी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम इट्स नेम दैट दीज आर द फ्रेजेस एंड फ्रेजेस आर नॉट जस्ट द सिंगल वर्ड्स ठीक है सो फ्रेजल वर्ब्स हियर वी हैव वर्ब्स वर्ब्स मींस टू से एक्शंस ठीक है So phrasal verbs are the verbs or the actions which are not the single word but they are the combination of words that express certain actions. I'm repeating again phrasal jo hote hain wo koi ek single word nahi hota wo do ya teen words combine hoke meaning convey karte hain. Ab jab verbs ki baat aa gayi phrasal verbs ki baat aa gayi verbs are the action. So phrasal verbs are not just the single words Phrasal verbs are the combination of words that express certain actions. ठीक है? So there are many words that are which are conveyed in the sense of verbs. For example, makeup. Now this makeup is word. Make is another word. Up is another word. When you combine these two words, then it makes a phrasal verb. Make up. Do you think that it's a verb? look down and giving up
get up. Get up. Sit. Sit down. Run into. Ready up. Stand up. Pass away. Stand up. Run now. Move up. Move up. Hurry up. Hurry up. Run. Shut up. What about this? Shut up. Pass away. Okay, hang out. Pass out. Sunshine. Pass out. What? Hard work. Hard work. Very good. So these are the phrasal verbs, which are not just the single words, but these are the combination of words. Okay? Now the next type of words are the irregular verbs. These are, this one is the last type of verb, irregular verbs. Now irregular verbs means to say that these are the first form of verbs. Break down is a phrasal verb. Kya kaam hai? Break down is a phrasal verb. Break down. Yeah, yes, this one is a phrasal verb. Break down. Ma'am, sunshine. Now what do you think? Sun is what? Sun is a verb? No, ma'am. Then lockdown, very good. Sun, bache, ye verb nahi hai. Sunshine. This sun is a noun. Verb ki baat ho rahi hai. Phrasal verb ki baat ho rahi hai. Compound noun ki baat nahi ho rahi. Ji, ma'am. Theek hai, to aapko action dekhna hai, jaise lockdown. Now come to word this irregular verb. Now come to what these irregular verbs. Irregular verbs are, you can say that these are the first form of verbs. First form of verb means to say that these are always in the present tense, not in the past or future tense. Now any word that is in the first, that have its first form, that will be a irregular verb. Irregular verb. Any word that is in the first, that have its first form of verb, that will be the irregular, that will be the regular irregular verb. For example, eat. Do you think that eat is a regular irregular verb, is the first form of verb? Yes, ma'am. And think. Yes, ma'am. Make. I make a tea. I make tea. Now make itself is an irregular verb, and made jo aa jata hai wo regular verb mein aata hai. So irregular verbs are always the first form of verbs. First form of verb, irregular verbs are always the first form of verbs, and the regular verbs are in the past or the future tense. Is it clear to everybody? Yes, ma'am. Okay. So Vijay, I have to go somewhere. So that's why I'm ending the class up till now. I will send you exercise within the group, and you will do that. And I have checked your assignments that you have sent me in the group. I will check those as well. Okay. See you all on next weekend, and take care of yourself. Ma'am, second and third forms are regular. Yes, second and third forms are the regular. Okay. Ma'am. Ji. मैम, ये जो आप टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ा रही हैं, बुक के अंदर हैं जो आपने बुक कही थी लेने को? नहीं बच्चे, बुक के अंदर ये सारी नहीं है. वैसे मैंने आपको एक्टिविटीज देनी, बुक के अंदर से मैंने आपको एक्टिविटीज देनी है आपके, उसके लिए वेकेशन का वर्क होगा वो आपका. ओके मैम, ठीक है. जो उसके अंदर से मैंने, बुक इज इम्पोर्टेंट फॉर द एक्टिविटीज, क्योंकि बुक के अंदर कुछ चीजें नहीं है जो कि मैं आपको करवा रही हूँ. मैम नोट्स सेंड कर दिया करें प्लीज. मैं नोट्स भेज दूंगी आपको, ठीक है. अल्लाह हाफिज़ मैम. अल्लाह हाफिज़ मैम. अल्लाह हाफिज़.